हेलो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम की लस्सी, जिसके लिए मैंने लिया है दही ठंडा, 3 कटोरी दही है, और मैंने ली है 4 चम्मच चीनी, और भीगे हुए 25-30 बादाम लिए हैं, और ये रूआफ़ज़ा लिया है। चलिए बादाम को लेंगे अब छील। मैंने नाट में भिगो के रखे थे बादाम, देखिए सारे बादाम छील लिए हैं। अब इनको डालते हैं मिक्सी के जार में। बादाम को मैंने डाल दिए हैं, अब डाल देंगे ये 3 कटोरी दही है, जो मैं 3 गिलास लस्सी बनाएंगे उसके लिए ये काफ़ी है। और डाल देंगे ये 4 चम्मच चीनी, मिक्सी को ऑन कर देंगे। अब अच्छे से इसको पीस लेंगे। एक से 2 मिनट के लिए पीस लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे 4 रूआफ़ज़ा को, जिससे अच्छा कलर भी आ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। 2 चम्मच 4 रूआफ़ज़ा डाल देंगे इसमें। अब इसको 1 मिनट के लिए और चला लेंगे। एक मिनट हो गया है, अब मिक्सी कर देंगे बंद। अब करते हैं, चलिए सर्व करते हैं इसको लस्सी को। देखिए मैंने कर दिया, ऊपर से रूआफ़ज़ा की लेयर डाल देंगे, जिससे और देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। देखिए देखने में कैसी लग रही है हमारी लस्सी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।